पलामू प्रमंडल से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरों के लिए सिर्फ एक ही जगह बंसीधर न्यूज। और बंसीधर न्यूज अब YouTube पर भी, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि पलामू से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसीधर न्यूज। प्रस्तुत है समाचार। अवध राज देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित आरडी पब्लिक स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक सादे समारोह कर 10वीं कक्षा के छात्रों को विदाई दी गई। समारोह के दौरान 9वीं कक्षा की छात्राओं द्वारा विदाई गीत प्रस्तुत करते ही माहौल गमगीन हो गया। विदा लेने वाले बच्चे फफक फफक कर रो पड़े, यहाँ तक कि प्रधानाचार्य अनिमा पांडेय सहित उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भी भाव विभोर हो उठे। बच्चों को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक पीके दुबे ने कहा कि विदाई का ये बेला हमारे लिए हर्ष और विषाद दोनों का मिश्रण है। दुख इस बात की है कि जिन बच्चों को हमने इतना दिनों तक अपने सानिध्य में रखकर पढ़ाया, वही बच्चे आज हमसे दूर हो रहे हैं। और खुशी इस बात को लेकर है कि हमारे पढ़ाए हुए छात्र यहां से निकलकर अपना कैरियर का चुनाव कर सकेंगे। उन्होंने विदा लेने वाले सभी छात्रों को अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होकर विद्यालय का नाम रोशन करने की कामना किया। वहीं प्रधानाचार्य अनिमा पांडेय ने कहा कि विद्यार्थी परीक्षा के दौरान तनाव से बचे व परीक्षा को उत्सव की तरह तैयारी करें। उन्होंने कहा कि यहां से निकलने के बाद भी अगर पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता पड़े तो आप बेहिचक विद्यालय में संपर्क करेंगे। परीक्षा नियंत्रक अनुप्रिया पाठक ने परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने की टिप्स दी। इस मौके पर विदा लेने वाले छात्रों को 9वीं कक्षा के छात्रों द्वारा उपहार देकर विदा किया गया। इस अवसर पर प्रभारी राजीव कुमार दुबे, करिश्मा कुमारी, तिलेश्वर सिंह आदि उपस्थित थे। 10वीं कक्षा के बच्चे बच्चियों की विदाई समारोह रखा गया है। चूंकि विदाई की प्रक्रिया भी अटल है और ये मेरे विद्यालय का लगातार छठा विदाई समारोह रहा। 10वीं क्लास के बच्चे बच्चियों ने यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लिया। लास्ट सेमेस्टर का उनका लास्ट स्टडी डे रहा। उन्होंने काफी अच्छा सीखने का प्रयास किया और ये सत्र मेरा सबसे अच्छा सत्र कहलाएगा, क्योंकि बच्चे काफी अनुशासित थे, परिश्रमी थे। मैं इनके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए ये भी आशा करता हूँ कि ये बच्चे जहाँ भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, अपने साथ साथ विद्यालय का नाम रोशन करने में कभी भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और इनका रिजल्ट भी काफी अच्छा रहेगा, हम ये उम्मीद करते हैं। जैसा कि विगत वर्षों से हमारे रिजल्ट 100% रहा है और उस कड़ी को बरकरार रखते हुए इस सत्र के हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, काफी अच्छा रिजल्ट उनका आएगा। और गम है, चूंकि विदाई का जो ये घड़ियां होती है, गम का होती है, विषाद का होता है, लेकिन गम के साथ साथ खुशियां हमें इस बात की है कि ये बच्चे आगे चल करके अपने लक्ष्य का निर्धारण करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि आज तक जो भी इन्होंने पढ़ा हमारे मार्गदर्शन में रहा और हमारे मार्गदर्शन में ये अपने लक्ष्य का निर्धारण करने में अब स्वयं सक्षम हो जाएंगे।